तो दोस्तों आज हम बात करेंगे JVM ऑटो के स्टॉक के बारे में। JVM ऑटो के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो अब देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको स्टॉक में हाइयर हाई हाइयर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में बीच बीच में यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली लेकिन यहाँ पर स्टॉक ने कभी भी अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया और हमको स्टॉक में लगातार तेज़ी ही देखने को मिली है। लेकिन आज हमको स्टॉक में 3% की यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली है। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि यहाँ पर गिरावट के बाद भी जो ये स्टॉक है वो यहाँ पर अपने सपोर्ट के ऊपर बना हुआ है तो यहाँ से भी अगेन हमको स्टॉक में रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। यहाँ से अगर अब स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से अब रिकवरी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 1983 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 2150 और अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेज़ी एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 2416 देन यहाँ से हमको स्टॉक में 2600-2800 तक के लेवल्स भी यहाँ से अभी देखने को मिल सकते हैं। वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से अब गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 1866 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक है 1791 और 1675 तक के लेवल्स भी यहाँ से अभी देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है। वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए। धन्यवाद।